इमेज फॉर्म हुआ है, इस बार ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज फॉर्म हुआ है, उस इमेज का यहाँ पे डिटेल दिया है, ऑब्जेक्ट का डिटेल निकालना है हमको। सो एन इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया इमेज डिस्टेंस, ओके 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस, वी डू हैव अ कॉन्केव लेंस राइट हियर, अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, f की वैल्यू है, हमको यहाँ पे पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, नीड टू फाइंड द ऑब्जेक्ट पोजिशन, u निकालना है यहाँ पे। बट कॉन्केव लेंस के लिए अब फिलहाल हमारे पास जो भी डिटेल है, वी हैव अ लेंस राइट हियर, तो यानी लेंस फॉर्मूला लगाना है, 1 / f = 1 / v - 1 / u, ये रहेगा लेंस फॉर्मूला, ओके। सो वी हैव अ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव के लिए हम क्या करते हैं, हमारा f क्या होता है, नेगेटिव, सो वी डू हैव अ f = - 15 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमको v दिया हुआ है, दिस इज अ v ना, पोजीशन ऑफ इमेज, वो प्लस लेना है या माइनस, जब यहाँ पे ऐसा होगा कि हमको u वाला होता है तो हम हमेशा नेगेटिव लिखते हैं, बट v कहाँ पे लोकेटेड है उसके हिसाब से हमको लेना होगा। सो यहाँ पे रे डायग्राम अगर याद करें, कॉन्केव लेंस का दो ही रे डायग्राम बनता है, ओके, और ये दोनों ही केसेस में जो इमेज फॉर्म होता है, वी नो दैट द इमेज इज ऑन ऑन द सेम साइड, अगर याद करो तो एक जो डेफिनेट डिस्टेंस का है उसका इमेज भी क्या बनता है, ऑन द सेम साइड, यानी कि लेफ्ट में ही बनता है, यानी कि इमेज ऐसा है, वी कैन से दैट वी इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हम क्या लेंगे, नेगेटिव, सो दैट विल बी माइनस 10 सेंटीमीटर। और अगर ये पता है कि डिटेल आपको स्टार्ट में लिखना होगा, सिंस इट इज अ कॉन्केव लेंस, वी नो दैट ऑलवेज द इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हेंस द इमेज विल ऑल्सो बी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस, सो दैट विल बी माइनस 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया है 10, तो माइनस 10 लेंगे, f है, d है, वी कैन फाइंड u, सो दैट्स 1 / माइनस 15 इज इक्वल टू 1 / माइनस 10 माइनस 1 / u, माइनस 1 / u को इस तरफ ले लें, 1 / u इज इक्वल टू ये माइनस 15 है, इधर जाके 15 हो जाएगा, सो दैट्स 1 / 15 माइनस 1 / 10 इट विल बी 10 माइनस 15 और ये हो जाएगा 150, सो माइनस 5 / 150 कितना हो जाएगा, ये 5 3 आर, सो दैट्स माइनस 1 / 30 कितना हो जाएगा, ये सो देयरफॉर u = - 30 सेंटीमीटर।